पेट्रोल, डीजल, गैस इनकी कीमतों पर चर्चा होनी चाहिए, और विडंबना यह कि उस हंगामे के बीच सदन स्थगित और मंत्री ने यह कहा कि जब समय आएगा तब जवाब देंगे। सुधांशु जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, कितना तेल निकालिएगा जनता का? देखिए, आज जब तेल की कीमतों की बात होती है तो एक सिंपल सी बात समझिए, दिल्ली में 90 रुपए और मुंबई में 99 रुपए क्यों है? अगर केंद्र सरकार ही सब कुछ तय कर रही है तो देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम क्यों होते हैं? यह तो किसी को भी समझ में आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि उसमें राज्य सरकार का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। नंबर दो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही एकमात्र प्रोडक्ट है जो कि जीएसटी में नहीं है। जीएसटी में क्यों नहीं आए? स्वाभाविक है कि राज्यों की राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स है, इसलिए वो अपना सोर्स नहीं करना चाहते। अगर जीएसटी में होते तो 8 से 10 रुपए तो दाम वैसे भी कम हो सकते थे। तीसरी बात अगर आप देखें तो आज की डेट में स्थिति यह है कि जो 2014 से पहले की बात कही जाती है उसमें अक्टूबर 2014 वह डेट है जिसके के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डीरेगुलराइजेशन यानी सरकार का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया। यह प्रक्रिया यह थी कि 2010 में पेट्रोल का खत्म हुआ था, अक्टूबर 2014 में डीजल का खत्म हुआ, यह 2002 में शुरू हुआ था हमारी सरकार के समय में और 1995 के WTO की शर्तों के अनुसार। तो स्वाभाविक रूप से आज की स्थिति यह है कि 2014 अक्टूबर से पहले सरकार सीधा हस्तक्षेप कर सकती थी, अब सरकार को कोई कानूनन अधिकार नहीं है कि वह हस्तक्षेप कर सके। जैसे रोहित जी, आपके चैनल पर क्या न्यूज चलेगी? दूरदर्शन पे 25 साल पहले या 20 साल पहले डीजी दूरदर्शन तय कर सकता था, आज नहीं तय कर सकता। यह एक स्थिति है। इसलिए जब सरकार के हाथ में था तो सरकार से पूछा जाता था। अब एक ही रास्ता है सरकार के सामने, वो क्या है कि अपने टैक्स को कम कर दे। अब टैक्स की जो स्थिति है, करीब 30 रुपए के आसपास केंद्र सरकार का टैक्स बनता है, 30 रुपए के आसपास उसकी ड्यूटी है और राज्यों का टैक्स 20% से लेकर 40% तक है। हमारी भी राज्य सरकार है और उनकी भी। तो मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 30-30% के आसपास तीन हिस्से हैं। अब वर्तमान स्थिति यह है कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद की स्थिति में वो राज्य सरकारें जहां चुनाव है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कितना कम किया, असम ने कितना कम किया, तमिलनाडु और केरल ने कितना कम किया, क्योंकि एक यथार्थ है कि उनके राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स है और इस समय जब वो घनघोर वित्तीय संकट में है उस समय टैक्स घटाकर उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। तो हकीकत यह कि हमारा तो सिर्फ 18 रुपया बच रहा है उसमें, जो दिखता है 30, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो हिस्सा राज्यों के पास जाना है उसकी इसमें गणना नहीं हो रही। तो जो आपने सवाल किया बहुत सही सवाल था, कितना तेल निकालेंगे, तो जनाब जो खड़े होकर हल्ला मचा रहे राज्यसभा में वो भी तो जम के तेल निकाल रहे हैं ना, मेजर शेयर तो उनका है यहाँ पर। ठीक है, ओके पवन जी बताइए। सुधांशु जी, आपसे पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई, आपने तब भी गलत बयानी की और मैंने उम्मीद की थी कि आज नहीं करेंगे, आज भी आप कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल डीरेगुलेटेड है, मैं सहमत हूँ आपसे, डीरेगुलेटेड है। आपने पिछली बार तो खैर कहा था कि हमारे वक्त डीरेगुलेट हुए, मैंने आपका सुधार किया था कि नहीं, अटल जी के वक्त शुरू हुए थे डीरेगुलेशन। जनता मूर्ख नहीं है, अगर डीरेगुलेटेड हैं तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घटते हैं तो यहां भी घटने चाहिए, बढ़ते हैं तो यहां भी बढ़ने चाहिए। जब अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे तब $108 से $130 प्रति बैरल तक गया था अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, पेट्रोल 71 रुपए और 58 रुपए में डीजल मिलता था। अब जब अर्थशास्त्रियों की सरकार है तो $60 के नीचे नीचे घूम रहा है प्रति बैरल। आप 100 रुपए पे पेट्रोल ले गए, फिर उसके बाद आपने घुमाते हुए कहा कि जीएसटी में नहीं शामिल है, किसने आपको मना किया? आपको मालूम है जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बार बार यह मांग की है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए। आपको मालूम है एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है कि जो ही आप जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को शामिल करोगे 25 से 30 रुपए प्रति लीटर उसकी कीमत टूटेगी, और किसी ने, कम से कम कांग्रेस ने तो इसका विरोध नहीं किया है, आपके अपने मुख्यमंत्रियों ने किया, क्योंकि आजकल तो आपके यहां बड़ा असंतोष है, हो सकता है प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई किसी ने बोल दिया होगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्रियों ने तो कहा है कि जीएसटी में शामिल किया जाए। आप कहते हैं कि WTO बार बार इशारे में कहते हैं कि कांग्रेस के वक्त साइन हुआ था, ये जो एनर्जी चार्टर ट्रीटी है जिसके तहत ये आता है, ये WTO का हिस्सा है, मैं आपका भी थोड़ा ज्ञान बढ़ा दूं,
इसका रेटिफिकेशन कब हुआ था? अप्रैल 1998 में, किसकी सरकार थी? मैं आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा होगी, आप मुझे बता दीजिए। रेटिफिकेशन, उसको लीगल स्टेटस आपकी सरकार थी, क्यों नहीं क्वेश्चन किया अगर आपको लगता है वो गलत था। हम जब यूपीए की सरकार थी 2007 में, उसके पहले उसके बाद लगातार डब्ल्यूटीओ हमें चिट्ठियां आती थी कि अरे क्यों आप मॉनिटर क्यों कर रहे हो, इसको छोड़ दीजिए मार्केट पे। हम रेजिस्ट करते थे, हम कहते थे नहीं, ये अंडर रिकवरी होगी तो हम पैसा देंगे, जनता पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। आज क्या हालत बना रखी है आपने?